गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देव व्यापार का हरिद्वार पुलिस ने भंडाफोड़ किया, जिसमें 8 महिलाओं समेत 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में देव व्यापार का नेटवर्क फैलता जा रहा है। यहाँ आए दिन होटल, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट जैसे स्थानों पर अवैध व असामाजिक गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस टीम ने कलियर क्षेत्र में होने वाले देव व्यापार की सूचना मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ एक गेस्ट हाउस पर छापा मारा और वहां से 8 महिलाओं व 11 पुरुषों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। 11 जुलाई को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और थाना कलियर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में रहमत साबरी गेस्ट हाउस सोहलपुर रोड कलियर में छापेमारी की कार्रवाई की गई और वहाँ से अनैतिक व्यापार में संलिप्त 11 पुरुष और 8 महिलाओं, कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गेस्ट हाउस संचालक मुस्तफ़ा निवासी कलियर और मैनेजर आदिल निवासी पहाड़गंज दिल्ली को मुख्य अभियुक्त हैं। इनके विरुद्ध अंतर्गत धारा 3, 4, 5, 6, 7 ITP एक्ट, 17/18 पोक्सो एक्ट और 144 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त मुस्तफ़ा के विरुद्ध पूर्व में भी 3 ITP एक्ट के अभियोग पंजीकृत हैं और ये गुंडा एक्ट में पूर्व में चालान इसका हो चुका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।